रेडी हैं। क्या आप रेडी हैं मिस्टर कैमल? बिल्कुल। बोलो निहान, जल्दी से टीवी ऑन करो, एक नॉमी चैनल लगाओ, जल्दी करो। नमस्कार, हमने केमल का नाम स्वर्ण अक्षरों में लिख दिया है, आइए इनसे कुछ बात करते हैं। पहले तो आप खदानों में काम करते हुए बाल बाल बचे हैं और आज इतनी बड़ी कंपनी के मालिक बन गए हैं। आप भले ही मैदान में देरी से आए हो पर आप लंबी रेस के घोड़े नजर आते हैं। आप अपने जो प्रतिद्वंदी है उनसे कुछ कहना चाहेंगे? क्या संदेश देना चाहेंगे आप? क्या कोई मुकाबला है आपका उनसे? इस बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? लोग जानना चाहते हैं आपसे, आपकी कामयाबी की वजह। मैं बिल्कुल नहीं और ना ही मैं बनना चाहता हूँ। हम दोनों एक दूसरे के साथ बस बिजनेस पर्पस से हैं, इसके अलावा और कुछ नहीं है। देखिए, हम दोनों के रास्ते एक दूसरे से बेहद अलग है। ये सच है कि मैं रेस में बहुत देर से आया हूँ, पर मैं इस रेस में कितनी दूर तक जाऊंगा ये बात कोई नहीं बता सकता। आप कहते हैं कि आप अमीर नहीं है पर आपकी आंखों में हम एक कामयाब इंसान की झलक देख सकते हैं। फिर आप ऐसी बातें क्यों करते हैं? आप जो शब्द कह रहे हैं वो किसी सफल व्यापारी के शब्द जान पड़ते हैं। अल्टीमेटम्स और कुछ भी? तुमने कभी अपने भाई को मौका नहीं दिया। तुम हमारी सारी यादों को भूल गए हो केमान। तुम में और एमिर में कोई फर्क नहीं रह गया है केमान। क्या मैं अपनी दाई निकाल सकता हूँ प्लीज? सर, नहीं हुआ था, मैं बस एक नाई का बेटा हूं और मैंने सब कुछ उनसे ही सीखा है। मैं बस माइन में काम करने वाला एक बहुत ही साधारण सा इंसान था। मैंने जिंदगी में बहुत तकलीफ झेली है। मैं अपने परिवार के साथ आगे बढ़ा हूं और मेरे लिए सब इंसान एक समान है। देखिए मैम, सभी के जीवन में अच्छे और बुरे दिन आते ही हैं। आप मुझे एम्बिशियस कह रही हैं, मतलब मैं कहीं चूक रहा हूं, पर गलतियां तो सब करते हैं और अगर मैंने कहीं कोई गलती कर भी दी हो तो उसकी भरपाई करने के लिए भी तैयार रहूंगा, हमेशा रहूंगा, पर अपनी गलतियों से डरूंगा नहीं। मैंने अपनों का दिल दुखाया है, और इस बात के लिए मुझे बेहद अफसोस भी है, और इसीलिए मैं उनसे माफी मांगना चाहता हूं। जब आपने अपनों से माफी मांगी थी सर, मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं आपको बताना चाहता था। इंसान शायद अपनी भावनाओं में बहकर ही यह सब कर पाता है। सर, अगर आप बुरा ना माने तो आपसे एक बात पूछूं। आपने जिनसे माफी मांगी उन्होंने माफ किया? मैं सुन, घर पे गाड़ी मत रोकना, गाड़ी आगे ले चलो। ठीक है सर, मुझे किसी से मिलना है।
केमाल, मुझे कुछ बात करनी है। तुमसे तो चीजें गिरती ही रहती हैं। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं। आज भी तुम वैसे ही हो। मेरा ऐसा इरादा नहीं था। तुम्हारे जाने के बाद मेरी अमीर से बात हुई। तुम्हें फोन करके आना चाहिए था, पर तुम ऐसे ही आ गए। मुझे लगा तुम फोन नहीं उठाओगी, इसीलिए मैं खुद ही चला आया। अमीर से कहा है कि कुछ काम दिया है तुम्हें, ताकि वो तुम पर शक ना करे। मुझे बचाने के लिए? मुझे उसे कुछ तो बताना ही पड़ता ना। वो क्या है? मैंने उसे कहा कि ऑफिस के लिए कुछ पेंटिंग्स चाहिए। ये आइडिया इतना बुरा नहीं है, मुझ पे गुस्सा मत हो जाना। बोलो, तुम क्या बोल रहे थे? बोलो, उसने तुम्हारी बातों पर विश्वास कर लिया। हाँ, तो तुम क्या कह रहे थे? तुम बताओ, तुम ही उसके साथ पिछले 5 सालों से हो। यहां आकर सीधे ताना दे रहे हो? लगता है काफी अच्छी दोस्ती हो गई है। अमीर के साथ मेरा रिश्ता काम तक है। तुम्हें बहुत दुख दिया, मुझे माफ करना। मेरा ऐसा इरादा नहीं था, और अब मैं तुमसे दूर रहूंगा। बस यही कहना था, जो हो गया सो हो गया। आगे से मैं ये नहीं चाहता कि हम में से किसी को भी तकलीफ पहुंचे। गुड बाय।